अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, जब से अभी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं शादाब सैफी आपके लिए लेकर आया हूं एक और न्यू वीडियो गर्मा गर्म, वो है मेरी पेन ड्राइव एसडी कार्ड से रिलेटेड। थंबनेल देखकर तो आपको पता लग गया होगा, वीडियो स्किप करके बिल्कुल ना जाए क्योंकि आपके लिए वीडियो बड़े ही काम की है और वीडियो छोड़ने से कुछ फायदा आपका नहीं होगा, क्योंकि और किसी वीडियो पे भटकने से अच्छा है इसी वीडियो आप पूरा देख ले तो बहुत ज्यादा मजेदार आपके लिए बन जाएगी वीडियो। ठीक है, आप देखिए मेरे चैनल शादाब व्यू। तो बात करते हैं अपनी पेन ड्राइव के ऊपर। हमारी पेन ड्राइव एसडी कार्ड मेरे पास बहुत सारी रखी है गाइस, और आपको पहले बता देता हूं ये वीडियो आपकी कम से कम 90% तो आपकी वर्क करेंगी और 10% आपकी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, पहले ही बता देता हूँ आपको, क्योंकि और वीडियो से आपको बताएंगे 100% आपका काम हो जाएगा, 2000% आपका काम हो जाएगा, भाई साहब बिल्कुल भी काम नहीं होगा। आधा चांसेस होते हैं क्योंकि जो पेंडा आपके होते हैं ना ओरिजिनल वगैरह होते हैं वो आपके वर्क करने लगते हैं, जो आप लोकल एरिया से खरीदते हो, आप मार्केट से खरीदते हो, फुटपाथ से पेंडा वगैरह जो खरीदते हो, एसडी कार्ड वगैरह आप वहां से खरीद लेते हो, तो भैया वहां के चीज है ना लोकल होती है। होता यह है कुछ वर्क करती है थोड़ी देर को और चल जाते बंद हो जाते हैं, आप समझते हैं उनको हम सही कर लें तो आप बिल्कुल भी भूल जाइए, वो आपकी सही बिल्कुल नहीं होने वाली, क्योंकि वो भी फुटपाथ का एरिया है, वहां से आपने खरीदा है रिजेक्टेड माल होता है, आपके हाथ में चुपका देता है किसी भी पकड़ाकर, एक कस्टमर को चूतिया बना दिया और लेकर चले गए, उसे रिपेयर करोगे तो ये छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं है आपके हाथ में, वो कुछ नहीं लगने वाला। 90% आपकी ये वीडियो में आपकी हेल्प हो जाएगी, 10% बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आपका देखना पड़ेगा उस पेंडा के अंदर जो दिक्कत आ रही है वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उस पेंडा को फेंक दो, किसी काम की नहीं है, सच्चाई बता रहा हूं आपको, झूठ नहीं है। मेरे पास पेंडा बहुत सारी रखी हुई है, सब में मैंने ट्राई करके देख लिया है और कोई वर्क करिए कोई वर्क नहीं करिए, क्योंकि इसमें से कुछ लोकल थी, लोकल वर्क नहीं करी, ओरिजिनल थी शायद वो चल गई और उसमें कुछ गाने चले, बीच में से अटक रहे हैं तो दिक्कत उसमें इशू आ रहा है, स्पीड का भी इशू आ रहा था। तो बात करते हैं पेंडा को रिपेयर कैसे करोगे, रिपेयर करने का मैंने खुद सी वीडियो बना दी, मैंने क्लिप वगैरह आपको आप वो देख लेना और उसमें काफी ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, जैसे जैसे स्टेप करना है उसको स्टेप ध्यान से देखना, स्पेलिंग वगैरह सब कुछ ओके की तरह उस पर धीरे धीरे आप ट्राई करना। दूसरी वीडियो और दूसरा भी मेरे एक सॉफ्टवेयर है उसे मैंने डाउन करा है, वो तो आपको मान के चलो 100 में से 20% ही वर्क करेगा, 80% वर्क आपका नहीं करने वाला, वो ऐसा है। लेकिन ठीक है, अगर चांसेस आपको 20% होगी, डूबते को तनिया का सहारा वो भी होने चाहिए, तो मान के चलो ट्राई आप दोनों कर लेना, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको जो CMD वाला है ना आपको वो ज्यादा वर्क करेगा, 90% बहुत होता है, 10% आप भूल जाइए उसमें वर्क नहीं करेगा तो बात अलग है। तो मैंने इसको एक वीडियो बना दिए, आपको पूरा स्टेप आपको मैं दिखा दूंगा उसमें कैसे कैसे आपको पड़ रहा है। तो गाइस सबसे पहले आपको टाइप करना है नीचे विंडोज के अंदर आकर आपको डालना है CMD, जब CMD डाल दोगे तो उसके बाद आपको करना है ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा CMD ऊपर पे आपको राइट क्लिक करना है और उस पे करना है आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पे क्लिक कर दोगे आपका पूरा खुल जाएगा, उसमें आपको डालना है पहले स्टार्टिंग में आपको डालना है डिस्क पार्ट, स्पेलिंग जैसे आ रहे आपको वैसी डालनी है, उसके बाद डालना है आपको लिस्ट डिस्क, स्पेलिंग आपको ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होने चाहिए क्योंकि गलती हो जाएगा तो फिर आपको पूरी मेहनत बेकार है। आपके नीचे आप शो कर रहे हो आपकी जितनी भी आपकी हार्ड डिस्क होंगी वो शो कर रही होंगी, और आपकी जो पेन ड्राइव होगी आपको MB में शो कर रही होगी या GB में शो कर रही होगी, उसके हिसाब से आपका होता है। यहाँ पे आपको पूरा आ रहा है, मेरी है आप 8 GB की है तो उसको 7633 आपको शो कर रहा है, आपको सिलेक्ट करना है उसी के हिसाब से जो आपका है। आप हार्ड डिस्क सिलेक्ट कर दो, आपको गलती से हार्ड डिस्क आपको पूरा उड़ जाएगा, कुछ फायदा नहीं है, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट डाल दे सिलेक्ट डिस्क 1 मेरी पेन ड्राइव है, और नंबर को आप ध्यान से देख लेना और आपको चेक करने के बाद उसके बाद ही आप ओके करना, क्योंकि गलती से आपको कुछ काम हो गया अब ये पूरी हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी, फिर बाद आप मेरे को कमेंट करके बोलोगे कि भाई तूने मेरी पूरी हार्ड डिस्क को मां बहन कर दी, कुछ फायदा नहीं है आपकी, इसलिए सोच समझ के आपको वीडियो को आपको क्लियर करना है। ठीक है, ओके करने के बाद आपको नीचे आ जाओगे, जब पार्टीशन को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको डालना है क्लीन, क्लीन करने के बाद आप जैसे इंटर मारोगे उसको ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो सक्सेस होने के बाद आपको नीचे डालना है एक स्पेलिंग को, आप ध्यान से देख लेना मैंने यहाँ पर डाल दिया है स्पेलिंग, और आपको बगल में आपको शो हो रहा होगा जो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। ओके करने के बाद आपको नीचे बस ओके हो जाएगा, पूरा क्लीन होने के बाद आपका ये आपका जो पेन ड्राइव है 90% आपको ये वर्क कर देगा, फॉर्मेट FS और आपको पूरा क्लीन करने के बाद जो होगा फॉर्मेट आपका अच्छी तरह हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश फिर भी आपको बताऊंगा, ये वीडियो में आपको 90% ही वर्क करेगा और 10% आपको वर्क बिल्कुल भी नहीं करने वाला।
आपको बार बार बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बताऊंगा भैया आपको सच्चाई, आपको मेरे को चूतिया बनाने में कुछ बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। व्यूज पाने के चक्कर में आपको मैं बोल दूँ हाँ भैया तुम्हारा हो गया 100%, आप काम करो, फिर बाद में बोले यार कुछ वीडियो मेरे कुछ भी काम नहीं आई। सच्चाई बताओ लोगों को, भला हो या ना हो उसके बारे में सच्चाई बोलोगे तो वो भी तुम्हारे काम के बहुत ज्यादा आने वाली है। एक्टिव कर दोगे जैसे जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ पूरी तरह उसी तरह आपको प्रोसेस करना है, वो आगे पीछे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? ध्यान से वीडियो देखना, स्पेलिंग को और ओके ओके सब कुछ दबना अच्छी तरह। एग्जिट मैंने मार दिया है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो वेटिंग करने के बाद ये मेरा फॉर्मेट पेन ड्राइव हो चुका है। तो फिलहाल तो भैया मेरी पेन ड्राइव वर्क करने लगा है, तो इसमें चांसेस मेरे हो गए हैं, लेकिन जो बनी बाकी है एसडी कार्ड थी वो वर्क नहीं करी है। आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ यूएसबी ड्राइव, तो ठीक है ये मेरा 8 GB मेरा क्लीन हो चुका है और मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। और दूसरा वाला है आपका पावर आईओएसओ, POWER ISO, एंटर मारोगे तो आपको यहाँ पे कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा पावर आईओएसओ, तो मैं इस पे नीचे वाले पे एक क्लिक कर देता हूँ, आप वो भी देख लेना। ओके ठीक है, आपको यहाँ पे ये पूरा जो आएगा होम स्क्रीन आपको जिस तरह खुलेगा लोकेशन जैसे आपको आएगा पावर आईओएसओ सीडी बनी आई रही होगी और थोड़ा सा बॉक्स बन के वही है, उसके बगल में आपको आ रहा होगा ये डाउनलोडिंग का, इसमें मैं कर देता हूँ क्लिक और आपको वहां पे आ जाएंगे दो शो करेंगे। आपको जो भी जो सा भी बीट का आपका हो आप उसी हिसाब से निकाल लेना, आपको 32 बीट का है या फिर आपका 64 बीट का है, आप अपने उस हिसाब से इसको निकाल सकते हो। तो फिलहाल मैं भी 64 बीट का निकाल लेता हूँ, तो ठीक है और यहाँ पे मेरा लग चुका है डाउनलोडिंग पे, ये मेरा चल रहा है। ओके इसे होने देते हैं डाउनलोड, उसके बाद करते हैं इसको इंस्टॉल और फिर दिखाते हैं इसके अंदर प्रोसेस हमारा क्या क्या पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है? और यहाँ पे हमारा आ चुका है पावर आईएसओ, इसे कर लेते हैं पहले इंस्टॉल। ओपन करा मैंने और यहाँ पे हमारा ओके का निशान आ चुका है। ये यस करने के बाद अब आ जाते हैं सीधा बाहर, अब आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सीधा लोकेशन जो आपका प्रोवाइड इसमें होगा, तो ठीक है मैं कर देता हूँ इसे आई एग्री, दोबारा इसे भी कर देते हैं एक्सेप्ट। अभी इसे जहां पे मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ वहां पे हम कर लेते हैं इसको सिलेक्ट, अपनी लोकेशन वगैरह आप खुद देख लेना, मैं इंस्टॉल ही कर दे रहा हूँ, मुझे वो लोकेशन कोई नहीं देखनी फिलहाल अभी। तो ये इंस्टॉल अभी हो रहा है, कुछ नहीं है इंस्टॉल ये पूरा होने के बाद, उसके बाद आपको दिखाता हूँ प्रोसेस क्या पड़ेगा। लेकिन ये बताऊंगा इसमें बस चांसेस होते हैं कि आपका पेन ड्राइव ओके मतलब रिपेयर हो जाता है, लेकिन बहुत कम ही चांसेस होते हैं इसमें रिपेयर होने के, लेकिन आपको फिर भी आप इस पे भी ट्राई कर लेना आपके से हो जाता है तो ठीक है। मेरा कंप्लीट हो चुका है तो इसे कर देते हैं सीधा नेक्स्ट और बाकी कर देते हैं इसे क्लोज। ओके तो पूरा हो चुका है और कुछ नहीं करना है, ये न्यू आपको यूज खुलेगा ब्राउजर से हटा देंगे, अभी हमारा कोने की तरफ आपको आ रहा होगा ये रहा, इसे कर देते हैं सीधा ओपन। ठीक है ओपन होने के बाद इस तरह का हमारा होम पेज दिखाई देगा पावर आईओएसओ का, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर वाइज चल रहा है और यहाँ पे आएगा आपका कंटिन्यू, आप इस पे करना आपको क्लिक। ठीक है मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका पूरा इस तरह पेज खुल गया है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको जाना टूल के पास, सीधा टूल दे रखा कोने की तरफ, तो टूल पे करना आपको क्लिक, उसके बाद आपको जाना नीचे की तरफ ये रहा क्लीन यूएसबी ड्राइव, इस पे करना है आपको क्लिक, ऊपर भी आपको यूएसबी दे रखा है ऊपर वाले पे नहीं क्लिक करना, नीचे वाले पे क्लिक करना आपको क्लीन यूएसबी ड्राइव, इस पे आप ओके कर दोगे ओके का ऑप्शन फिर मांगेगा, इस पे ओके करना है आपको। ओके करने के बाद आपका पूरा हो चुका है, एक बार आपको परमिशन मांगेगा, मैं कर देता हूँ यस। यस करने के बाद आपका इस तरह ये खुल जाएगा, तो ठीक है। इसके बाद फिर से इसमें लोडिंग चलेगी आपकी 5 सेकंड की, उसके बाद आपको करना है इसके ऊपर कंटिन्यू करना है, ठीक है कंटिन्यू का ऑप्शन आ चुका है, मैं कंटिन्यू से कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद आपके यहाँ पे आ जाएगा वो जो आप पेन ड्राइव वगैरह और एसडी कार्ड वगैरह जो कुछ भी लगाओगे वहां पे नीचे शो करने लगेगा, उसे आप सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे मार देना क्लीन यूएसबी ड्राइव, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है आपका, ये प्रोसेस ये इसी तरह आपका वर्क करेगा। तो गाइस ये थी हमारी छोटी सी पेन ड्राइव को रिपेयर करने का आपको तरीका, आपके काम में आगे होगी। तो पहले बता रहा हूँ कि आपको 90% 10% में इतना ही आपको समझ में आया होगा, बाकी तो आप सब चीज को छोड़ ही दिए। तो हमारी वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगे, वीडियो से लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस ठोकते हो सलाम को।